राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज है रंगभरी एकादशी, और इसको आंवला एकादशी भी कहते हैं। तो सुबह का समय है, घर के मेरे सब काम काज हो गए हैं, घर की साफ सफाई हो गई है, और तो उसके बाद मैंने अंदर मंदिर में पूजा कर ली है, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया है, और अब मैं करूँगी आंवले की पूजा। तो आंवले हमारा घर पर ही है, तो मैं यहीं पे मैंने साफ सफाई कर ली है, बैठने के लिए कपड़ा बिछा लिया है, और यहाँ पे मैंने ये जल लिया है, और ये लिए मैंने दीपक और धूप ली है, और हल्दी ली है। हल्दी आंवले की जड़ में ज़रूर चढ़ानी चाहिए, और कलावा लिया है वस्त्र रूपी, और जनेऊ भी लिया है मैंने, कपूर लिया है, और फूल लिया है, थोड़े फल लिए हैं, और ये रोली ली है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए दीपक को रख लेते हैं आंवले की जड़ में। फूल भी चढ़ा देते हैं आंवले की जड़ में ही। तो देखिए ये प्रसाद लिया है, बतासा है, ये भी हम आंवले की जड़ में चढ़ा देंगे, और ये है अंगूर, और ये बेर है, तो हम फल भी चढ़ाएंगे भोग के लिए। दीपक जला लेते हैं। तो दीपक जोड़ने के बाद में धूप लगाऊंगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो देखिए ये जनेऊ है, इसको हमें पहना देंगे हम इस तरह से। देखिए जनेऊ को वैसे इसी तरह से हमने यहाँ पे पहना दिया है। ये कलावा है, कलावा हम यहीं पे रखेंगे जो हमने लिया है। तो ये वस्त्र रूपी कलावा है, ये भी हमने यहीं पे जड़ में लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे कपूर भी जलाएंगे, कपूर से आरती करेंगे, और धूप भी हम जलाएंगे। देखिए तो दोस्तों, आज के दिन आंवले की पूजा करनी बहुत शुभ मानी जाती है, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए सभी को। कहीं आसपास में मंदिर में कहीं ना कहीं आंवला मिल ही जाता है। तिलक लगाएंगे, देखिए और हल्दी को हम जड़ में चढ़ाएंगे। हल्दी वैसे अगर हम घर में आंवला है तो रोज भी हम हल्दी जड़ में थोड़ी सी डाल के और डेली जल चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं इसको। तो आंवले की जड़ में हल्दी डाल के उसके ऊपर से फिर जल चढ़ाएं, तो ये काफ़ी अच्छा बताया है, मैंने भी सुना है। तो देखिए जल चढ़ा देते हैं जड़ में,
ओम विष्णुवाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। आंबल का एकादशी की जय। प्रणाम करेंगे हम आंवले को और आरती करेंगे। तो ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विने से मन का सुख संपत्ति घर आमे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूं मैं किसकी, तुम मिने और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राण पति, किस विध मिलूं दया मैं, तुम्हें को मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी कष्टि हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ए श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनमानसित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तो दोस्तों, अब इसके बाद मैं परिक्रमा करूंगी, तो मुझे 108 परिक्रमा करूंगी मैं आंवले की। तो परिक्रमा कर लेती हूँ, पूजन कर लिया है मैंने अच्छे से, अब मैं परिक्रमा लगाऊंगी 108। तो चलिए परिक्रमा शुरू करती हूँ। दोस्तों, इसी तरह से मैं 108 परिक्रमा कर लूंगी, मेरी 5 परिक्रमा हो गई हैं। तो ये था मेरा आंवले की पूजन का वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी सभी को राम राम।